आ रही है सबको मेरी? यस सर, यस सर। चलिए चलिए, सॉरी फॉर डैट। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर वन जल्दी जल्दी लिखिए। हाँ, तो आपको N फॉर नाइट्रोजन है इसमें, और आपको देखना है कि EUHOCE किस ग्रुप का एलिमेंट है, किस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये सब F ब्लॉक का है। अरे बोलिए। सर सी आंसर। ओके, चेक कर लेते हैं। एक्टिनॉइड सीरीज आपने पढ़ा होगा, एक्टिनॉइड सीरीज में, और एक होता है लैंथेनॉइड सीरीज। तो कल आपको मैंने बताया था कि लैंथेनॉइड सीरीज में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करती है, समझा। तो कल मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट में लैंथेनॉइड सीरीज है तो इसमें लगातार कॉन्टिन्यूसली लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अब आइए, तो आपको साइज का ऑर्डर पर भी आपको खुद से समझना है कि ये सी ई, ये एच ओ, तो देख के ही आपको पता चलना चाहिए साइज का ऑर्डर। तो देखिए, आपको मैंने आपको बताया था कि सीने पर नदिया प्यार की समाए, समझा, यू गद गद तब दिल हुआ अरे तुम लाजवाब लगते हो। अब देखिए, मैं आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। लैंथेनॉइड सीरीज का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है प्लस थ्री। अभी ध्यान दीजिएगा, अगर हमें आयनिक रेडियस का ऑर्डर पूछता, जो आपको एनसीईआरटी में ग्राफ है, आयनिक रेडियस का होता सिंपल कहिए सी ए प्लस थ्री की साइज सबसे बड़ी, समझा कि नहीं। उसके बाद लगातार साइज क्या होगी, डिक्रीज करेगा। यानी उससे पहले अगर हम लैंथेनम को भी मान लें तो लैंथेनम की साइज सबसे बड़ी, डैश डैश डैश, लास्ट में लाजवाब एलयू। लेकिन लेकिन एक खास बात यह है इसमें जो कि इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें एटॉमिक रेडियस की जब बात कहेगा, एटॉमिक रेडियस की जब बात कहेगा,
तो ध्यान दें दोनों के आंसर में फर्क है। और आपको मैंने नोट्स में लिखाया है या नोट्स में आपको भेजा है मैंने, इसमें सबसे बड़ी साइज जो होगी वो यूरोपियम की, जबकि सबसे बड़ी साइज आयंस के फॉर्म में लिखेंगे तो उसी उसका रीजन है। मैं रीजन बताऊंगा आपको, कर रहा था कल से बाहर जाने की जिद कर रहा था तो मैं जबरदस्त। यहाँ देखें बातचीत नहीं, एटॉमिक रेडियस की जब बात आएगी इसलिए इसका ग्राफ इस तरह आता है, फिर इंक्रीज होता है इस तरह ऊपर, और इसमें क्या होता है लगातार साइज आयंस में डिक्रीज करती है। तो आपको मैंने DNF ब्लॉक में सारे लोग के पास साइज का ऑर्डर बोलिए बताया गया है। यस सर। तो इसमें सबसे बड़ी साइज जो होगी, यहाँ देखिए आयंस का पूछता है तो Se+3, नाइट्रोजन की साइज सबसे छोटी, तो ऐसे भी आप समझ लीजिए कि ए और बी गलत है। क्यों? नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है इसलिए सबसे बड़ी साइज जो होगी वो सी है। बहुत सारे स्टूडेंट सी और AU पर टिक मारेंगे लेकिन नहीं, यहाँ पर जो साइज आयंस का कहता तो C+3, एटॉमिक रेडियस का है तो EU। उसका रीजन ये है, खुद NCERT कहता है कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट CE का लैंथेनाइड सीरीज का +3 है, EU जो है वो +2 भी बनाता है और EU +2 में ज्यादा स्टेबल है। तो जब मेटालिक बॉन्ड बना तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, तो जितना मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो साइज छोटा होगा। दैट द रीजन, ये बात याद रखिए कि इसमें जो है दोनों में इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आयंस का साइज का ऑर्डर पूछेगा तो हम लगातार कहेंगे साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस, लेकिन जब एटॉमिक रेडियस की बात आएगी तो याद रखिए EU की साइज सबसे बड़ी, चूंकि AU +2 में ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू +3। दैट द रीजन सबसे बड़ी साइज जो होती है वो EU की, देन YB, उसके बाद CE की होती है, बाकी एज इट इज रहेगा। सबको समझ में आया या नहीं आया जल्दी बोले जो मैंने बोला। वरुण फराज सारे लोग बोलें जी सर। हाँ, आयंस का पूछेगा तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस, आप ग्राफ देखिएगा NCERT में बना हुआ है, लेकिन एटॉमिक रेडियस जब बोलेगा तो ये ऑथेंटिक है, आप चेक भी कर सकते हैं गूगल पर कि EU और YB जो लास्ट में आता है तो EU की साइज बड़ी देन YB, चूंकि दोनों में मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर है। दैट द रीजन, तो आंसर जो आएगा वो सी आएगा, और अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको लिखा हुआ है। तो बताइए सबको समझ में आ गया, लिख लिए थे आप लोग? जी सर। चलिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर किसी को 12th भी अच्छे से पढ़ा होगा तो जैसे ए है आपके पास और KOH है एंड O2 है, बैलेंसिंग उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर 2B+ वाटर बना ऑर्गेनिक की तरह रिएक्शन दे रहा है आपको, 3B है, 4HCl है आपको, 2C+MnO2 बना, +वाटर बना।
फिर ये 2C का रिएक्शन H2O और KI के साथ हुआ, तो 2A प्लस 2KOH प्लस तो इस तरह के क्वेश्चन भी इनऑर्गेनिक में आते हैं। आपसे पूछ रहा है इन एबव सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन ए एंड डी रेस्पेक्टिवली आर, ए ऑप्शन है ए आई एंड KMnO4, बी ऑप्शन है MnO2 KIO3, सी है KI K2 MnO4, डी है KIO3 एंड MnO2। चलिए तो ये देखिए बहुत आसान है, अगर आपने KMnO4 की प्रिपरेशन पढ़ा होगा, KMnO4 की प्रिपरेशन, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसलिए प्रिपरेशन को भी अच्छे से समझिए। तो आपसे पूछ रहा है ए एंड बी, तो देखिए आपको याद होगा KMnO4 किससे बनता है, याद है MnO2 से सर, कि पायरोलुसाइट ओर को हम फ्यूज करते हैं, याद है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ, तो पायरोलुसाइट को KOH के साथ ही फ्यूज करते हैं, तो ए K2MnO4 मिलता है, हाँ, ए जो है यहाँ पर MnO2 होगा, ठीक है, ए जो होगा MnO2 होगा, है ना। अब बी जो बनेगा, तो MnO2 जब रिएक्शंस करता है, तो जब MnO2 रिएक्शन करता है तो सारे लोग जानते हो K2MnO4 बनता है कि नहीं, ये एकदम डायरेक्ट रिएक्शन है, आप पढ़िएगा अच्छे से। तो देखिए ये सब रिएक्शन, इसलिए देखिए क्वेश्चन से यही बात समझ में आती है कि आपको पढ़ना कैसे है, जो 12th पढ़ा उसी पर क्वेश्चन सब आ रहा है। अगर आप एकदम इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा तो आपको बहुत मजा आएगा इनऑर्गेनिक में। अब आया कि K2MnO4 आप पढ़ चुके हैं HCl के साथ रिएक्शंस करेगा तो क्या होगा, KMnO4 बनेगा, क्या बनेगा बोलिए, KMnO4, आप पूरा बैलेंस कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर कह रहा है ये KMnO4 वाटर के आए, देखिए KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आयोडाइड को दो चीज में कन्वर्ट करता है, एक I2 में, एक IO3 आयोडेट में, I2 में कब कन्वर्ट करेगा, एसिडिक मीडियम में, इसको कब करेगा, अल्केलाइन मीडियम में। यहाँ देखिए KOH का मतलब हुआ कि अल्केलाइन मीडियम है, तो डी जो होगा यहाँ पर वो KIO3 होगा। तो अब आंसर जो होगा इसमें वो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी, कौन सा आंसर हो जाएगा, बी। हाँ वरुण, सबको समझ में आया, अप्रूव भी हो गया, कोई सिलेबस के बाहर का नहीं है, जो आपने पढ़ा उसी को ABCD के फॉर्म में दिया हुआ है। सच सच बताइए सबको समझ में आया, यस सर, यस सर, वेरी गुड। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, हाँ ध्यान दें, लिख लीजिए सारे लोग, लिख लिया, यस सर, यस सर, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा मैं अभी भूल जाऊंगा, कल की क्लास 1:15 PM पे होगी, थोड़ा आज लेट हो गया, वो मेरी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था जूम ऐप,
बंद हो रहा था खुल रहा था, इसलिए कल 1:15 में क्लास होगी। ओके सारे स्टूडेंट? जी सर। हाँ कल इंशाल्लाह लेट नहीं होगा। ओके, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3। Which of them leave only green residue on heating? KMnO4, B K2Cr2O7, अरे यार, अरे इब्तिसाम को बुलाओ तो जल्दी से, आवाज दो ना, आवाज दो ना, फिर हाँ फिर ये नहीं चल रहा। हाँ अरे यार सर क्वेश्चन बोल दीजिए। हाँ सी लिखिए सारे लोग, सी लिखिए, NH4MnO4। अच्छा चलिए अब हो रहा है, चलिए क्या रिस्पॉन्स नहीं करता रहता है। NH4MnO4 सी ऑप्शन। लिख लिया NH4MnO4, अमोनियम के साथ MnO4 है, लिख लिया? यस सर। डी ऑप्शन लिखिए। हाँ अच्छा रिस्पॉन्ड कभी करता ही नहीं है ये लिख लीजिए आप करने लगे, तुम आते हो तो क्या मालूम होने लगता है। यहाँ देखें नेक्स्ट लिख लीजिए NHO4 2 Cr2 7। देखो पहले क्या होता था अच्छे से लिखा जाता था, अब क्या कर लिखते रहते हैं अपने आप घुसक जाता है, क्या ये प्लेन खराब हो गया कि क्या अल्लाह मालूम। हाँ नहीं हो गया क्या मालूम क्या हो जाता है। चलिए लिखिए चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें से। देखिए कुछ आपको एनसीईआरटी में है, पहला देखिए सारे लोग बताओ KMnO4 को जब हीट करते हो, ये एनसीईआरटी में पढ़े हो ना, K2MnO4 बनता है, MnO2 बनता है प्लस O2 बनता है, तो आपको मालूम है K2MnO4 ग्रीन है और MnO2 ब्लैक है, तो यहाँ कह रहा है ओनली ग्रीन, तो यहाँ ग्रीन और ब्लैक दोनों बन रहा है, तो ये सब लिखो। हाँ K2Cr2O7 का हीट एनसीईआरटी में नहीं है तो ये, लेकिन पूछा जा चुका है तो आपको ये नई नॉलेज लेना है। तो K2Cr2O7 को जब हीट करते हो ना तो K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट प्लस Cr2O3 और इसमें भी O2 बनता है, बैलेंस करना नहीं है। तो आपको ये बात मालूम है कि डाइक्रोमेट आयन और क्रोमेट आयन दोनों का कलर पड़े हो ना,
येलो और ऑरेंज, येलो और ऑरेंज होता है। और आपको मालूम है तो येलो ऑरेंज इसमें भी नहीं है। NHO4 MnO4 को जब हीट करते हैं, देखो N को मिला दो तो N2 गैस प्लस MnO2 प्लस वाटर, तो इसमें भी नाइट्रोजन तो डाई नाइट्रोजन तो कलरलेस गैस है, MnO2 आपका ब्लैक है, तो बचा यही। आप देखो ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, चूंकि तुम लोगों को ग्रुप 15 तुम्हारे टाइम में कट गया था 12th में, है ना, ऐसे ये तुम जाके देखना ग्रुप 15 में NCERT का ये रिएक्शन है। और अमोनियम सॉल्ट के हीट को जब हीट करते हैं तो N2 गैस बनता है प्लस वाटर, जो बचा उसको लिख दो, वाटर बनता है और CR2O3 तुम जाके देखोगे भी CR+3 का कलर ग्रीन होता है। डी ब्लॉक में देखो मैं कलर याद करने का ट्रिक्स दिया हूँ नोट्स में, जैसे यहाँ पर ग्रीन भी है और येलो भी है, लेकिन ओनली ग्रीन कहाँ बनेगा, जब अमोनियम डाइक्रोम, ये नाइट्रोजन की प्रिपरेशन का मेथड भी है NCERT के ग्रुप 15 में, डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन में ये रिएक्शन मौजूद है, समझा। एक दो रिएक्शन ऐसा है जो NCERT में नहीं है, तो अब ये नॉलेज कर लें कि K2Cr27 और NHO4MnO4। तो यहाँ पर कह रहा है कौन ऐसा है जो सिर्फ ग्रीन कलर दे रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो ध्यान दें। सर इसमें जो नोट्स थे सर उसमें तो सर Cr+3 का कलर वायलेट है, वायलेट ग्रीन है, वायलेट ग्रीन तो ये आपके पास आ गया। ओके अच्छा, कलर चेंज भी करता रहता है ना, सॉलिड में कुछ और होता है, एक्वस फॉर्म में कुछ और होता है। ओके चलिए बताइए, सबको समझ में आ गया? यस कल की क्लास 1:15 में होगी, 2 बजे अब क्लास नहीं होती है, कल क्लास की टाइमिंग 1:30 में थी, समझा, इसीलिए कल वाली क्लास 1:15 में होगी, 1:15 से 2:30 PM। हाँ देखो अभी मैंने जस्ट एक क्वेश्चन दिया था तो तुम इसका देखोगे आंसर दोगे, द मेटालिक कैंसर अभी जस्ट बताया भी है, बताओ सारे लोग, फराज बताओ, मेटालिक रेडियर एबनॉर्मली हाई, किसमें एबनॉर्मली हाई होता है अभी जस्ट? ऑप्शन ए। हाँ ऑप्शन ए, वेरी गुड, ई यू आर वाई बी। हाँ अगर आयंस के फॉर्म में पूछेगा तो एज यूजुअल ऑर्डर होगा, दोनों में फर्क समझ लो, कंफ्यूज मत होना। आयनिक रेडियस का होगा तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस पूछेगा तो लैंथन एज में इस दोनों की साइज सबसे बड़ी होती है, तो आपको इस तरह भी पूछ सकता है।
कल मैंने एक कंसेप्ट समझाया था, उसी पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। अच्छा ऑप्शन, हाँ बोलिए पिछले क्वेश्चन का ऑप्शन। ये क्वेश्चन तो है, ये था, ये फराज जी सर देख लिया, देख लिया। समझ में आया ए आंसर है जी सर? वो तो पता है ए, वो मैं ऑप्शन देख रहा था। अच्छा ऑप्शन, हाँ देख लीजिए, लिख लीजिए। लिख लिया जी सर? लिख लिया। कलर का मैंने बताया था, डीडी ट्रांजिशन कहाँ नहीं होता, किसी को याद है? डीडी ट्रांजिशन कहाँ नहीं होता है और एफएफ ट्रांजिशन कहाँ नहीं होता, उसी के बेसिस पर आंसर दो। लैंथेनम का 57 होता है, जब तुम LA प्लस 3 लिखोगे ना तो यहाँ F पर 0 आएगा, EU प्लस 3, EU का एटॉमिक नंबर याद है किसी को? यूरोपियम 83 नहीं, सीने पर नदियां प्यार की तनाए, ये कितना होता है 58 59 60 61 63? हाँ यूं गया, 63 होता है भाई। चौवन और हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ेनन 6s 54 256 56 और कितना हो जाएगा 7, यही होगा। तो EU में जब प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4F6, F6 का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, GD प्लस 3 में नहीं आएगा, समझा कि नहीं? GD प्लस 3 में जानते हैं क्या आ जाएगा, F7, कल बताया था ना, कोई बोल ही नहीं रहा है। यस सर। LU प्लस में F14 आता है, नहीं? यस सर। जी सर। किसमें कलर किसमें होगा? EU में। F ट्रांजिशन F7 F0 में नहीं होता, खैर, और F7 में भी नहीं होता, F0 F14 F7 में नहीं होता है। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। अब ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट करो, मेरा बीपी निकल
आंसर हाँ आंसर दो भाई, अनम्यूट कर रहा हूं मैं। आंसर देखो सी आंसर, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी होगा एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगा, समझ रहा हो? अरे कोई तो बोलो। जी सर। गुड। यस। थैंक यू थैंक यू। अब ये तो और आसान क्वेश्चन है। LN का मतलब लैंथेनोइड सीरीज का एलिमेंट है ये। OH3 is A option basic, B option acidic, C option neutral, D option none. बोलिए विच ऑप्शन इज करेक्ट। बी। अच्छा मैं बहुत जबरदस्त अंदाज में आपको पीरियडिक टेबल में भी पढ़ाया था, क्रैश कोर्स में भी, जो ट्वेल्थ में भी पढ़े थे। मेटल के बारे में हमेशा याद रखिए, मेटल प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री जो होता है वो बेसिक होता है एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। याद है एम्फोटेरिक कौन कौन होता है? मैंने याद रख बताया मान के 3533 प्रभु। याद है एम्फोटेरिक कौन होगा? अरे कोई तो बोलो यार, क्या नाम है वरुण, तुम ये शायद पढ़े थे मुझसे। वरुण नो सर। अरे नहीं नहीं पढ़े होगे यार सर, पीरियोडिक वाले में नहीं नहीं, ये मेटल वाला, ये एसिडिक बेसिक का पूरा फंडा मैंने सिखा दिया था।
पूरा और एनसीईआरटी में डीएफ ब्लॉक में तुम देखो ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन एंटर में सब में लिखा हुआ है एसिडिक कौन बेसिक कौन। तो खैर चलो मैं फिर भूल गया हूँ, मैं फिर भूल ही जाते हैं, इतनी क्लासेस रहती हैं 10:30-9 बजे तक। मैं आज मैं वो लेक्चर निकाल के सबको भेजता हूँ। खैर ये बेसिक है, आप पढ़ा भी है ना हाइड्रोक्साइड ऑफ, हाँ ये कंपेरिजन में कोई बोलता है कि ये मोर बेसिक लेस बेसिक, लेकिन ओवरऑल मेटल प्लस वन प्लस प्लस टू प्लस थ्री में बेसिक है, एम्फोटेरिक के लिस्ट में ये नहीं है। जनाबे अली गाए सुना करे, जनाबे अली, अली का मतलब एल, सुना करे वो सब आसमान के 3533 प्रभु, समझा, तुझे आपको बताया गया था। खैर चलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बेसिक। चलिए एक शानदार क्वेश्चन में एक और दे रहा हूँ, सबको समझ में आया जल्दी बोलिए। जी सर। वेना डीएम है, तो देखो वी प्लस फाइव मेटल जो होते हैं ना, मेटल एसिडिक भी होते हैं, याद है प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन मेटल जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, तो एसिडिक वैल्यू है और एसिडिक है तो पीएच की वैल्यू क्या होगी कम, सो दैट डी ऑप्शन। देखो कहाँ की बात को कहाँ से रिलेट कर रहा है, तो इस तरह भी देगा आपको क्वेश्चन। सबको समझ में आया, मेटल प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन एसिडिक होते हैं, ये कंफ्यूजन दूर करें कि मेटल मेटल जो होता है वो ऑलवेज बेसिक होता है। मेटल बेसिक होगा भी तो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री उसमें भी कुछ एम्फोटेरिक हैं। नॉन मेटल हमेशा एसिडिक होता है तीन को छोड़कर, जो न्यूट्रल होता है CO NO N2O। मेटल प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन में एसिडिक होता है तो पीएच की वैल्यू कम होगी। बोलिए आया सबको समझ में? यस सर। चलिए आज थोड़ा लेट हो गया था, चलिए कल मुलाकात होगी, कल 1:15 PM पे सारे लोग आएंगे। ओके बाय।